नानक निष्काम कीर्तन सभा ने गुरबाणी कीर्तन करके साहबजादियां नू माता गुजरी जी नू सत्कार भेंट किया है। गुरु प्यारी सात संगत जी, फतेह टीवी परिवार वालों अज दे महान प्रोग्राम सफरे शहादत स्टेट गुरद्वारा साहब कपूरथला विखे बड़ी श्रद्धा भावना नाल सत्कार नाल करवाया जा रहा है। सिंह साहब यानी जगतार सिंह जी अडिशनल हेड ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अद्धे घंटे वास्ते सवा अठ बजे तक पौना घंटा सवा अठ बजे तक गुरमत विचारां दी सांझ पाणगे। संगतां नूं गुर शब्द नाल गुरमत नाल जोड़नगे। प्यारी सात संगत जी, जिवें कि आप जी नूं पहलां अनाउंसमेंट दे राहीं फतेह टीवी चैनल तो भी अनाउंसमेंट राही दस्या गया है, आज का विलखण प्रोग्राम कपूरथला शहर इलाके दियां संगतां दी पुरजोर मंग ते फतेह टीवी चैनल वालों रखा गया है। अडिशनल हेडग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी गेनी जगतार सिंह जी स्टेज पर विराजमान हैं, पौने घंटे वास्ते गुरमत विचारां दी सांझ पाणगे। अते इन्हां तों बाद ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना गुरमत विचारां दी सांझ पाणगे। समूह संगतां दे चरणां विच बेनती है, आओ गुरु प्यारियो, महान शहीद धन धन बाबा अजीत सिंह जी, धन धन बाबा जुझार सिंह जी, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, चमकौर दी गड़ी दे महान शहीदां नूं याद करदिआं होइआं तिन्हां दी याद विच जुड़ बैठे हो। सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे मुख ग्रंथी, उन्हां पासों गुरमत विचार सरवण करो जी। आओ जकारा छड्डीए, गज वज के जवाब दिओ, सिंह साहिब कथा आरंभ कर रहे हन। बोले सोनिहाल डंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ आगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा सतगुर चरण शरण चल जाए सिख ता चरण शरण जगत चल आवई सतगुर आग्या सत सत कर मन सिख आग्या ताहें सकल संसार हितावई सतगुर सेवा पाए प्राण पूजा करे सिख
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਅਗਰ ਭਾਗ ਲਿਵਲਾਵਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹਿਰਦੈ ਪਰਵੇਸ਼ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁਨਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵਈ ਸ਼ਾਇ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤੇ ਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਪਾਪ ਹੀ ਪਰਪਕ ਜਾਤੇ ਧਰਮ ਤਸਕ ਜਾਤੇ ਬਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਸਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦਿਓਹਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਹੋਤੇ ਰੀਤ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ ਬੇਦਨ ਪੁਰਾਨ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਸੂਰ ਮੂਰਤ ਨ ਹੋਤੀ ਜੋ ਪੈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਜਿਹ ਮਰਨੈ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਗਾਸਿਆ ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ ਸਹਿਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ ਗਇਆ ਭਰਮ ਰਹਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ ਗਇਆ ਭਰਮ ਰਹਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਛਤਰ ਚਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸੁਵਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਤਿਹ ਟੀਵੀ ਸਟੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤਥਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਕਾ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
सोदर रहराज साहब जी दे पाठ उपरंत हजूरी कीर्तनीए भाई साहब जी आप जी नूं कीर्तन सरवण करा के गए ने। बाद विच निष्काम गुरु नानक जथे वालों भी आप कीर्तन सरवण कर रहे थे, केवल हाजरी वजो कुछ बचन आप जी दे नाल सतगुरां दी कृपा द्वारा सांझे करने ने। आओ आपा विचार गुरु कृपा द्वारा कर सकीए। जिन्ने भी सतसंगी सतगुरां दी हजूरी विच जुड़े हो ये महसूस करियो कपूरथला बहुत वड्डा है, पर जेडे आपां गुरु के चरणां विच आए हैं कोई वडभागा तुहाडे वर्गा होर नहीं। मेरी बेनती भगता किसी भी रूप विच चाहे कीर्तन दे रूप विच चाहे अनाउंसमेंट दे रूप विच आए चाहे कथा दे रूप विच तुहाडे सामने आए उन्हें ये बचन कह रहे ने वड्डे भागां वाले हो ये तुहाडी कोई चापलूसी नहीं या फार्मलिटी नहीं। जेड़ा भी आएगा उसकी जबान तो ये सच्चाई प्रगट होवेगी। जेड़ी आप आम तौर पर सतगुरां दे बचन दुराने हैं बिन भागां सतसंग ना लभै ते फिर बाणी दे बचन ने सब तों वड्डे भाग गुरसिखां के जो गुरचरणी सिख पड़ते आ सारियां तों वड्डे भाग ने उन्हां गुरसिखां दे जेड़े गुरु की शरण विच आंदे ने गुरु दे चरणां विच पैंदे ने। ते जिन्ने भी आपा बैठे हैं चाहे वीर चाहे भैन या जिहड़े बच्चे नाल आए ने इस दरबार की जिहड़ी मर्यादा उहनूं ध्यान विच रखदिआं होइआं आपां इत्थे बैठांगे ते जरूर साडा जिहड़ा समां है ना वह सफला होवेगा। विचार मैं इत्थों आरंभ करने ने गुरु घर दे अंदर शस्त्र भी है ते शास्त्र भी है। द्वापर युग की घटना का जिक्र विद्वानों ने किया कि अर्जुन ने समय के अवतार कृष्ण जी उत्ते एक सवाल किया ते आख्या देश उत्ते आई हुई बिपता नूं मुसीबत नूं किवें टालिया जा सकता है। ते कृष्ण जी ने जवाब दिता सी अर्जन आई हुई मुसीबत जिहड़ी है इहनूं टालिया जा सकता है किवें अगे शस्त्र होवे अगे शास्त्र होवे ते पिछे शस्त्र होवे। फिर एक गल ध्यान में रखियो बड़ौदे के अंदर महात्मा गांधी ने कलगीधर महाराज के संबंध में वचन किया सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भुले रहबर ने भुले रहबर ने प्रिंसीपल गंगा सिंह मिशनरी कॉलेज दे प्रिंसीपल उस वेले जागदे सी ते जेड़ा उसका आश्रम सी ना साबरमती प्रिंसीपल साहब उत्थे पहुंच गए। महात्मा गांधी नूं सूचना दित्ती गई
कौन आए ने प्रिंसीपल गंगा सिंह ते पूछिया किस वास्ते प्रिंसीपल गंगा सिंह ने को गल कही सी कहन लगे जिहड़ी अज तुसी प्रचार करके आयो लैक्चर करके आयो बड़ौदे दे अंदर उस घटना दे संबंध विच तुहाडे नाल विचार करनी ते महात्मा गांधी ने बड़ी टाल मटोल कीती कहन लगा भी मैं बहस नहीं करनी या गलबात नहीं करनी ते प्रिंसीपल गंगा सिंह ने एक गल कही सी तुहानूं करनी पवेगी ते महात्मा गांधी कहन लगा मैं नहीं बोलना तुसी बोलो ते कहंदे ने प्रिंसीपल गंगा सिंह बोले कहन लगे गांधी नूं कि आप जी गीता नूं अपनी मां कहंदे हो गीता नूं अपनी मां मानदे हो ते महात्मा गांधी ने हां विच सिर लहाया कहन लगा हां मैं गीता नूं अपनी मां मानदा गीता दा मैं सत्कार करदा ते ध्यान देवियो प्रिंसीपल गंगा सिंह कहन लगे निरादर मैं भी नहीं करदा गीता दा मेरे मन विच भी बड़ा सत्कार है गीता दा मेरे मन विच भी बड़ा सत्कार है ते कहन लगे महारिषि ब्यास दी उचारण कीती होई है मैं भी सत्कार करदा मैं निरादर नहीं करदा धर्म ग्रंथ है पर उन्होंने सवाल किया महात्मा गांधी दे उत्ते कहन लगे तुहानू पता है ये गीता किथे उचारण कीती गई है गीता दा उचारण किथे होया है जेड़ी गल तुसी कही ना बड़ौदे दे अंदर के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने माला फेरन वालियां दे हाथ विच माला दी जगह तलवार फड़ा दिती ते कहन लगे तुहानू पता है जिस गीता नू तुसी अपनी मां कहंदे हो वो गीता उचारण किथे कीती गई है ते आम लोक जानदे ने कि मैदानी जंग दे अंदर जदों अर्जुन शस्त्र छट के बह गया सी ते उन्हूं शस्त्र फड़ाने वास्ते ही ये जिहड़ी गीता सी उचारण कीती गई सी मेरी बेनती आप जी नूं इस गल दा ज्ञान होना चाहिए है महाराज ने जिहड़े बचन कह रहे ना बिना शस्त्र केसंग नरंग भेड़ जानो फिर ध्यान देवियो सानू शस्त्र धारी बनाया है ते जदों कलगी गमीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद जी महाराज उत्ते श्रीनगर गढ़वाल आ तुहाडे विचों बहुत सारे प्रेमी हेमकुंड साहब गया होणगे एक श्रीनगर कश्मीर वाल है कश्मीर दे अंदर एक श्रीनगर गढ़वाल है जदों महाराज नानक मते गए सी ना उस वेले मरहठियां दा गुरु समरथ रामदास सतगुरां नूं मिलिया सी जदों महाराज नानक मते तो वापस आ रहे सी ते इन्हें समरथ रामदास ने सतगुरां दे गल विच तलवारां पाईयां वेख के शंका मन दे अंदर पैदा कीता कहन लगा बाबा नानक दी जोत दे मालको तुहानूं तलवारां पाण दी लोड़ क्यों पै गई ते सतगुरु महाराज ने जवाब बड़ा प्यारा दिता कहन लगे तलवारां विखावा नहीं समरथ रामदास तलवारां पाण दा केवल ते केवल प्रयोजन इको है वो केड़ा गरीब दी रखिया जरवारे दी पखिया सतगुरां ने यह बचन कहे गरीब दी रखिया जरवारे दी पखिया ते मराठियां दा गुरु जिहड़ा सी ना समरथ रामदास इन्हें जदों ये बचन सुने
ते हिंदी दे विच इने बचन बोले आखन लगा आपकी बात मुझे खूब भावती है सतगुरु तुहाडी गल मैनू चंगी लगी है तुहाडी गल मैनू चंगी लगी है मेरी बेनती सतगुरां ने जो आनंदपुर साहब नू छड़िया ते सात संगत आप जी नू पता है किन्ने सूबे ते सेंटर दी गौरमेंट औरंगजेब बाकी सूबा सरहंद सूबा लाहौर सूबा जलंधर सारिया ने घेरा पाया होया सी पर जदों शस्त्र नाल मुकाबला ना कर सके इन्हां ने शास्त्र दा सहारा लिया भावें गल कुरान दी कीती गई ते भावें गल गीता दी कीती गई भावें कसम गौ दी खाधी गई मेरी बेनती शस्त्र विच मुकाबला नहीं कर सके ते शास्त्र दा इन्हां ने सहारा लिया ते आप जी ने विद्वानां दे बहुत वारी बचन सुने होणगे सतगुरां ने औरंगजेब नूं लानत इसे वास्ते जफरनामे दे अंदर पाई सी कि औरंगजेब जिन्ना तू कुरान पढ़दा है जिन्ना तू कुरान दे बारे अपने आप नूं कुरान दा पुजारी समझदा वास्तव विच तू इन्ना है नहीं फिर ध्यान देवियो सतगुरां ने इन्हां दे कुरान दा सत्कार कीता ते आनंदपुर साहिब दी पावन धरती नूं छड्डिया मेरी बेनती आनंदपुर साहिब दी पावन धरती नूं छड्डिया सरसा किनारे पहुंचदिआं तक दुश्मन दीआं फौजां ने मगर जिहड़ा है पूरा जोर दा हमला कीता ते मेरी बेनती गल सफरे शहादत दी ते मैं जिहड़ी बेनती करन लगा अज असी मखमली सेजां ते भी बैठे होने हां सोहने बिस्तरियां ते भी आराम करदे हां पर कई वारी साडे कोल बहाने बड़े होंदे ने नितनेम रह गया जी मेरी बेनती जिन्ना मेरे वीरां ने मोदी खाने की वह कहानी गुरु नानक पातशाह जी की सुल्तानपुर की सुनी होगी कि महाराज अपने साथियों के विच बैठे हुए ने मोदी खाना वधान तो बाद ते सतगुरु महाराज ने एक गल की मेरे सिर की होगा मेरे सिर की होगा ते साथियों ने पूछिया महाराज कारण ऐसे बचन तुसी क्यों कर रहे हो कहन लगे अज सो दर दुनियावी किरत विरत करदिया रह गया लेट हो गया ते नाल दे साथी कहन लगे जे आपां पहला नहीं कीता ते हुण कर लईए पहला नहीं कीता हुण कर लईए ते सतगुरु महाराज ने एक बचन कहा सी पठ पिया वह धंधा जिहड़ा वाहिगुरु की याद तो दूर लै जांदा है मेरी बेनती मैनू यूके दे अंदर जाण दा मौका मिलिया लेस्टर एक शहर है गुरद्वारे दे नाल थले मार्केट है ते मुसलमाना दियां दुकानां ने मुसलमाना दियां दुकानां ने बहुत वारी तजर्बा कीता उन्हां दुकानां दे शटर हर मुसलमान उस वेले छुट देंदा है जिन्ना मर्जी गाहक होवे पर वो कहिंदा नमाज मैं शटर सुट के जिहड़ी ना वह करनी नमाज दा समां खुझाना नहीं मेरी बेनती सफरे शहादत नूं पढ़दिआं होइआं विचारदिआं होइआं ये गल ध्यान विच रखनी है सरसा भी शूक रही है ते पिछे दुश्मन दा भी भारी
दल जिहड़ा है वह चढ़ के आ गया है। बेशक भाई जीवन सिंह, भाई उदय सिंह, बाबा अजीत सिंह दुश्मन के दल का मुकाबला कर रहे हैं, पर मेरी बेनती सतगुरु अपना नितनेम सरसा के किनारे भी निभा रहे हैं, क्योंकि भुख लगी न अंदर दी आत्मा दी। ते भाई दया सिंह जी नूं आखिया भुख लगी है किस गल दी, दुनियावी रोटी दी नहीं आत्मा दी खुराक दी। ते बहुत वारी आपां ये बचन पढ़दे आं, सतगुरां ने सरसा दे किनारे आसा दी वार दा कीर्तन या पाठ दे रूप विच महाराज ने अपना नितनेम निभाया। ते मेरी बेनती इत्थे परिवार तिन्ना हिस्सों विच वंडिया गया, परिवार विछोड़ा इस गल दा गवाह है। ते सतगुरु महाराज वड्डे साहिबजादियां दे नाल कुछ सिंघां दे नाल सरसा नूं पार करदे ने ते चमकौर दी गड़ी विच पहुंच जांदे ने। इधर छोटे साहिबजादे सत्कारयोग माता जी दे नाल जिवें कुम्मी माशकी दी झुग्गी विच रहण तो बाद गंगू दे घर विच चले जांदे ने, ते दूजे पासे ध्यान देवियो भाई मनी सिंह जी सत्कारयोग मातावां नूं माता सुंदर कौर माता सेव कौर नूं नाल लैके चले जांदे ने दिल्ली दे अंदर। समय दे मुताबक मैं विचारां नूं संकोचना है ते बेनती करांगा बड़े टका नाल संगत दे अंदर बैठो ते गुरु महाराज की कृपा दे पात्र बनो। सतगुरु महाराज दे हुक्म दे अंदर जिवें अकाल पुरख दे हुक्म दे अंदर भारी वापरे चमकौर साका भी वापरिया, ते बेनती सरहंद साका भी वापर गया। सतगुरु महाराज सचे पातशाह प्यारियो चलदे चलदे अपना सफर मुकांदे दमदमा साहिब की पावन धरती ते पहुंच गए ने, जिन्हों आपां साबो की तलवंडी पहला कहिंदे आ, हुण तखत का नाम है दमदमा साहिब। सतगुरु महाराज इत्थे पहुंचे ने, इत्थे ही आ के सतगुरां दे महलां दा मिलाप होया है। बेनती राय कले की गल आप पढ़ते हैं, जदों सतगुरु महाराज राय कले दे कोल पहुंचे माही ने खबर दिती कि सतगुरु भाणा सरहंद के अंदर भी वापर गया है, साहबजादे भी शहीद हो गए ने, माता जी भी शहीद हो गए ने। मेरी बेनती आसा दी वार दे कीर्तन का भोग पिया ते सतगुरां ने उस वेले हुक्म किया भाई दया सिंह नूं कि अज अरदास समाप्ति दी तुसी नहीं करोगे, अज अरदास मैं करांगा। ते जग्यासु सिखां ने पुछिया सतगुरु आप जी अरदास क्यों करोगे, रोजाना भाई दया सिंह जी करते ने। ते सतगुरां ने एक बचन कहा सी प्यारियो, जेड़ी अमानत वाहिगुरु दे दर तो मैनू प्राप्त होई अज उस विच खियानत नहीं होई, सही सलामत वाहिगुरु कोल पहुंच गई ते मैं वाहिगुरु जी का शुकराना आप अरदास दे राही करना है। फिर आप जी ध्यान देवियो जदों सतगुरु महाराज दमदमा साहिब की पावन धरती ते पहुंचे ने, दमदमा साहिब की पावन धरती ते पहुंच के जदों आराम करते ने महल भी आ जाते ने, ते सतगुरु महाराज नूं सिंघां दे नाल जदों तकदे ने ते इक सवाल कुदरती तौर ते उन्होंने अपने वालों किया अति सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी सतगुरां की पावन हजूरी विच पहुंच गए ने, सत्कार देंदे ने, पर मैं मन करके इन्हां नूं अपना उस्ताद समझदा क्योंकि
क्योंकि बहुत कुछ इन्हों को प्राप्त किया है। मेरे सत्कारयोग उस्ताद ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वालियां दे परम मित्र ने ते पहली मुलाकात बेशक असी पहला मिलते रहे जदों लुधियाने के अंदर रामगढ़िया गुरुद्वारे दे पाठ बोध समागम होया ते सत्कारयोग सिंह साहब जो उत्थे दर्शन होए इन्हां नाल मुलाकात होई ते मेरी बेनती जिन्ने कथा वाचक ने सने मेरे लगभग इन्हां नूं रीड करदे ने इन्हां नूं पढ़दे ने ते पढ़न तो बाद संगतां दे नाल विचार सांझे करदे ये भगते ही नहीं बल्कि इन्हां नूं वाहिगुरु महाराज ने अकाल पुरख ने सतगुरां ने कलम की दात भी दिती ते बहुत कुछ पंथ की झोली विच पाया इन्हां ने ते मैं इन्हां दी लिखी हुई गल ही तुहाडे नाल सांझी करन लगा। कुदरती तौर पर पहुंचे ने मतावां ने सवाल किया किथे हन साहिबजादे ते अगो जवाब सी वार दिते पुछिया दाता जी वारिया जांदा रुपये चो चार आने अठ आने बारह आने ते ओ केड़ी चीज है जिस तो तुसी सारा कुछ वार के आ गए हो। ते मेरी एक बेनती ध्यान देवियो गल राए भोए की तलवंडी तो सिखी की आरंभ हुई ते जे इउं कह लिए मुकम्बल जिहड़ी है वो साबो की तलवंडी जाके होगी आरंभ उथो हुई साबो की तलवंडी मुकम्बल हो गई। ग्रंथ इथे पंथ इथे पुत्र इथे सिख कैसा होवे ये भी गल इथे ही समझाई क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज की बारी इथे ही सतगुरां ने अपनी हथी लिखवा के बाणी के अंदर दर्ज करके गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं संपूर्ण किया। ते जो डल्ले ने कहा सी ना पीढ़ी जिनी थां अपने चरणों के विच दिओ ते सतगुरां ने कहा सी डल्लिया मेरा तो कुछ नहीं सब कुछ पंथ का है ते जे थां लैनी ते फिर जिवें पंज मेरे सामने आए ते पंजां दे सामने मैं गया इस तरह पंजां दे कोलों अमृत की दात प्राप्त कर फिर पीढ़ी जिनी थां नहीं मेरा घर तेरा घर होवेगा। ते मेरी बेनती सिख भी इत्थे मुकम्मल होया क्योंकि भाई डल्ला बार बार कहिंदा सी ना मैं नाल हुंदा ते महाराज कुछ नहीं सी होना आ जो कुछ भी होया है मेरी गैज हाजरी अंदर हो गया आ मेरिया फौजा मैं नाल हुंदा ते कुछ नहीं सी होना ना आनंदपुर छड़ना पैना सी ना साके वापरने सी ते सतगुरां ने समझाना डल्लिया रब दे भाणे विच है। ते सात संगत जदों बदोख की परख की साखी तुसी सारे जानते हो आखिया डल्लिया लिया अपने जवान जवान तो भज गए पर डल्ला आप भी नहीं आया ओ सिख जिहड़े गुरु महाराज के नाल आनंदपुर साहब की पावन धरती ते सी जिन्हां दे अज भी स्थान भाई वीर सिंह भाई तीर सिंह जी के नाम से गुरु घर बनिया होया है उन्होंने सात संगत सतगुरां की गोली के सामने खड़े होके सतगुरु की मर्जी है गोली किधर चलानी किवें चलानी है पर प्रग्यार्थी प्रीख्या देने वाले प्रीख्या दे विचों पास होए ते मैं बेनती कर रहा सी इत्थे ही असली पुत्रां दी गल होई केड़े सतगुरां दे चार बिंदी पुत्र ने ते बाकी जिन्ने ने नादी पुत्र ने। सिंह साहब जी बैठे हुए ने आपां रोज ये बचन बारी विचों पढ़दे हाँ गोरख पूत लोहारीपा बोले गोरख तां जती सी पुत्तो कित्थों आ गया गोरख जती शादी नहीं कराई मैरिज नहीं कराई ब्याह नहीं कराया पर पुत्र कित्थों आ गया बाणी कहती है गोरख पूत लोहरीपा बोले लोहरीपा कौन सी नादी पुत्र गोरख दा नादी पुत्र सतगुरां दे चार बिंदी पुत्र ने ते असी जिन्ने आ असी सारे नादी पुत्र क्योंकि जो अमृत छकाया जाता है आख्या जाता है जथेदार वालों पंजा दे विचों जेड़ा जथेदारी करता है वह कहता है आज तो तुहाड़े पिता कौन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माता कौन साहिब कौर असी बिंदी पुत्र नहीं
असी नादी पुत्र हां ते बिंदी पुत्र वार के सतपुरा ने ए सिद्ध कर दिता इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार चार मुए त क्या हुआ जीवत कई हजार। ते मेरी बेनती समा केवल पांच मिनट रह गया क्योंकि सत्कारयोग सिंह साहब पहुंच चुके ने। मैं बेनती करनी है आ दिन जिहड़ा आप मना रहे हैं बस के अगों टाइम जिन्ना भी आना है सारा एक एक दिन जिहड़ा है शहीदां दी याद नूं समर्पित है। ते मेरी बेनती भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले एक्सटेंशन गुरुद्वारे मॉडल टाउन लुधियाने कीर्तन करन वास्ते आए ते उन्होंने एक गल बड़ी प्यारी कही कहन लगे क्योंकि आप सफरे शहादत मना रहे हैं ते मेरी बेनती वो कहन लगे भी जदों साहबजादियां नूं फड़िया गया गंगू दे घर विचों फिर मुरंडे लियांदा गया बसी लियांदा गया फिर उन्हां नूं सरहंद लियांदा गया कहन लगे उस वेले तां साहबजादे बैल गड्डी ते आए होणगे रस्ता भी बड़ा औखा होना है पर कहन लगे अज जिन्हां मापिया दे हाथ खड़े हो गए ने बच्चे पतत हो रहे ने नशई हो रहे ने भाई साहब कहन लगे मेरी बेनती है भी एक वारी अपने बच्चिया नूं भावें कार ते बिठा के ओ सफर तय करा दिओ ते समझाई जो नाल दी नाल कि किवें साहबजादे सत्कारयोग माता जी दे नाल इत्थों गंगू दे घर विचों फड़े गए ते किवें उन्हां नूं अगे सरहंद दे अंदर लजाया गया। कहिंदे ने कार ते बच्चियां नूं बिठा के एक वारी लै जाओ ते कहन लगे मैनूं आस है कि बच्चे पतत पुणे वाले पासे भी नहीं जाणगे ते नशई भी अपने जीवन दे अंदर नहीं आउणगे ते तुहाडे विचों बहुत सारे आ रहे ज्ञानी पिंदरपाल सिंह दीआं कैस्टां सुनियां होणगीआं कलगीधर गुरुद्वारे दे अंदर वड्डे साहबजादियां दी शहादत छोटे साहबजादियां दी शहादत उन्हां ने सारी रिकॉर्डिंग कराई। ते मेरी बेनती जदों रिकॉर्डिंग हो रही सी एक भैन मॉडल टाउन एक्सटेंशन तो वो सारा कुछ सुनन वास्ते गई ते मिशनरी काल दे एक चंगे वीर प्रचारक सुरजीत सिंह बैंक दे अंदर सेवा करदे सी उन्हां दी मैसेज नाल आके उन्होंने गल सांझी कीती कहन लगे भैन जी अज भाई साहब ने बड़ी कमाल कीती इन्नी वैराग मई कथा कीती है कि सारी संगत रोन लग पई सारी संगत रोन लग पई। ते भैन जी ने अगों एक गल कीती जिहनूं सुना रही सी ना कहन लगे भैन जी तुसीं भी उत्थे सी ना कहन लगी हां तुसीं भी रोए कहन लगी हां मैं भी बड़ी रोई मैनूं भी रोन आ गया। ते जिहड़ी मिशनरी वीर दी भैन सी ना घर वाली उन्हें हाथ जोड़ के बेनती की भैन जी अमृत छक लो भैन जी अमृत छक लो कहन लगी तो काम अजे औखा है ते कहन लगी फिर रोन नाल कुछ नहीं बनना। मेरी बेनती रोन नाल कुछ नहीं बनना बनना उस दिन है जिस दिन आप उस राह ते तुर पांगे क्योंकि सत्संगत ये जरा दिन है इन्हू जरा ध्यान में रखियो जे तुरना कोई नहीं जिथे खड़े हैं उथे खड़े रहने। ते मेरी बेनती फिर जिन्ने मर्जी आप प्रचारक गुरु के कीर्तनीए कीर्तन करा लीए पर असी तुरना कोई नहीं ते फिर सफरे शहादत की गल किवें पूरी होवे। मेरी बेनती असी बारी नू केवल ते केवल हसाउण वास्ते ते रवान वास्ते वरदे हां। सिंह साहब दे मित्र ने ज्ञानी हरभजन सिंह यूएसए वाले उन्होंने जपजी बाणी की रिकॉर्डिंग कराई सी अपने वालों थाईलैंड गुरु घर के अंदर अज भी वह सीडियां मिलदियां ने कभी सुनियो बड़े विद्वान सज्जन सन बेशक अज दुनिया के विचों चले गए ने पर उन्हां दी गल मैनूं अज भी चेते हो कहिंदे ने बारी ना रुवान वास्ते ते ना ईसान वास्ते आ बारी तां विचारन वास्ते रुवान वास्ते नहीं या हसान वास्ते नहीं
बाणी केवल ते केवल विचारन वास्ते है। ते मेरी बेनती प्यारियो, आपा अपने जीवन दे अंदर आ एक डीसी होए ने गोपाल कृष्ण सिंह चंडीगढ़ दे ने 38B दे 38B दे ने। ओ कहंदे ने 2013 दे विच मैं चमकौर साहब गया ते मेरे मन दे विच आया एज ए डीसी नहीं एज ए श्रद्धालु बन के गया। कहंदे बड़े स्टाल टके उथे बड़े प्रबंध जथेबंदियां ने अपने वालों किए हुए पर कहंदे ने असी अपने कुछ साथियों नू नाल लैके 300 बच्चों का इंटरव्यू लिया जिहड़े चमकौर साहब गए हुए सी। 300 बच्चों का इंटरव्यू लिया ते पुछया भी ये जिथे तुसी आए हो आ जिहड़ा अस्थान है इसकी की महानता है। ते कहन लगे केवल ते केवल 10% बच्चे जवाब दे सके, केवल ते केवल 10% बच्चे जवाब दे सके। उस तो बाद फिर साहबजादियां दे नाम दी गल चली, फिर सतगुरु कित्थों चल के किथे आए, केवल ते केवल 10% ते 30% बच्चियां ने जवाब दिता कि महाराज कित्थों चल के इत्थे किवें पहुंचे ने। मेरी बेनती प्यारियो, केवल आ मेरे उस्ताद जी कथा करन वास्ते आई मंजी गुरु मंजी साहब गुरु घर दे अंदर, वो कहन लगे मैं मालवा दुआबा माझा लंघ के कथा करन वास्ते आया, शहादत दे दिन चल रहे सी। कहन लगे बड़ी खुशी हुई जदों नौजवानां नूं तकिया सेवा करदियां स्टाल लाए हुए सी, उन्हां ने बड़ी खुशी हुई कि बड़ी सेवा अंदर बड़ा चाए। पर कहंदे ने जदों ध्यान मार के वेख्या सेवा करन वाले केवल पीले पटके बने हुए ने, पर जिन्हां दी खातर पटके ने केसकियां ने वो किसे दे भी नजर नहीं सी आ रहा। फिर ध्यान देवियो, किसे दे नजर नहीं सी आ रहा। मेरी बेनती आपा दिन मनाइए पर वेखिए साहबजादिया ने यह जो कुछ किया अपनी जिंदगी दे अंदर किस वास्ते किया, उस गल नू अपने जीवन दे अंदर टुकावांगे ते साडे मनाए हुए समागम सकारथे होणगे। इन्ने कु वचन इस मौके ते आप जी दे नाल सांझे करदा होया विचारां नू संकोचदा कि जो कुछ आपां गुरु दे दर ते आ के सुणदे आं उहनू जीवन दे अंदर टुकाईए भी विचारीए भी ते अपने जीवन दे अंदर कमाईए भी। साडा लोक नाल परलोक सौरेगा। धन्नवाद सतगुरां दा, आप संगतां दा, समुचे प्रबंधकां दा, खास तौर ते ज्ञानी गुरदीप सिंह जी जिन्हां ने हुक्म लाया ते आप दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया जी। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। बोले सो निहाल।